आज हम बात करने वाले हैं टिकट बुकिंग रूल के बारे में, जिसमें अगर आपका रिफंड होता है, यानी कि अब अगर आपके ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो 2 गुना पैसा आपको रिफंड में मिलेगा। जान लेंगे आज के नियम क्या है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको और आने वाली ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। आज के वक्त में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या लंबी दूरी की सफ़र के लिए लोग ट्रेन का सफ़र करना पसंद करते हैं। त्योहारों में ट्रेनों की कमी के कारण कई बार लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। ऐसे में विंडो टिकट वाले यात्री तो किसी तरह सफ़र कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कंफर्म टिकट पा सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसके बदले में आपको डबल पैसा मिलेगा। इस ट्रिक से मिलेगा आपको डबल रिफंड। आइए जानते हैं। बता दें कि अगर आप अपनी ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए GoIBIBO वेबसाइट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और वेटिंग टिकट को बुक करते समय GoConfirm ट्रिप का विकल्प चुनते हैं तो आपके टिकट के कंफर्म होने की चांस बढ़ जाएंगे। और अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी आपकी वेटिंग वाला टिकट कंफर्म नहीं होता है तो कंपनी की तरफ से आपको टिकट किराए का 2 गुना पैसा वापस मिलेगा। पैसा कितने दिनों में आएगा वापस, आइए जानते हैं। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक टिकट का किराया IRCTC द्वारा ट्रेन टिकट बुक करते समय जिस अकाउंट से कटा होगा उसी में पैसा वापस किया जाएगा। बाकी उतना ही पैसा यात्रा वाउचर के रूप में वापस कर दिया जाएगा। इस यात्रा वाउचर का उपयोग यात्री GoIBIBO प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध किसी भी अन्य परिवहन, उड़ान, बस या ट्रेन या कैब को बुक करने के लिए किया जा सकता है। कब डबल रिफंड आपको नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं। कंपनी ने बताया कि आप डबल रिफंड के लिए तभी पात्र होंगे जब IRCTC द्वारा चार्ट तैयार होने तक आपकी टिकट कन्फर्म नहीं होती है। यदि चार्ट तैयार होने के समय टिकट कंफर्म या RAC हो जाता है तो उपयोगकर्ता डबल रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा। यह ऑफ़र केवल वेटिंग लिस्ट में आने वाले टिकटों पर ही मान्य है। इसके साथ ही यह ऑफ़र GoIBIBO प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई चुनिंदा ट्रेनों श्रेणी पर मान्य है। अधिकतम केवल 3,000 रुपये की रिफंड राशि प्राप्त की जा सकती है। वहीं बल्क बुकिंग के मामले में यदि कुछ टिकट कंफर्म हो गई है और कुछ नहीं तो आप उन टिकटों के लिए डबल रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे जो कंफर्म नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे की वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।